कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हक अधिकार के लिए जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी स्वीकार करेंगे, और अगर फांसी हो जाएगी वो भी हफ्ते हफ्ते स्वीकार करेंगे, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे, और ना ही अपने लोगों का हाथ कभी छोड़ा है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, पहले मैं आज आपसे लड़ने की ताकत चाहता हूँ मेरे साथियों, कि मैं सरकार का पूरी तरह दम कर लेता हूँ। आपके भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त चंद्रशेखर आजाद अग्रवाल, वो आपसे बस पागल चाहता है। ये वजह से
जब चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो आप मुझसे ये कहें और उम्मीद लगाएं दिल में कि अगर आज यहाँ भाई चंद्रशेखर का विधायक होता या उनकी पार्टी का नेता होता तो शायद हमारे दुख सुख में खड़ा हो जाता। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूँ, वोट आपकी एक फैसला आता है। आपकी हार से पहले अगर भीम आर के आधार से हमारी पार्टी ना खड़ी दिखाई दी तो आप मुझे कहिएगा, वोट आप अपने मन से लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, एक आपका भाई भी है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है और वो लोग भी है जिनके तरफ आपसे वोट के रिश्ते हैं। चुनाव के बीच नजर आते हैं, पूरे 5 साल में जिनको आपने 17 में वोट दिया, 12 में वोट दिया, अरे मेरे दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों जिनको आपने 7 में वोट दिया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या 5 साल में एक दिन आपकी लड़ाई अपने सड़क पर देखा आपने उनको? नहीं। 1 जून में चार लाख रंजन अल्ताफ की हत्या हुई हो या यहाँ 20 लोगों को एक दिन में कत्ल करा गया सरकारी तरीके से गोली मार के, जब आंदोलन हुआ जुम्मे के रोज में जमा मस्जिद में था दिल्ली में, आप बताओ अपने दिल पे, छोड़ दो सारी बातें, नहीं करेंगे सियासी बात, आप बताओ जिनको आपने वोट की ताकत दी क्या वो आपके बीच खड़े थे? जब वो आपके वोट के हकदार हैं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा बताइए? जब एक दिन में तमाम तरह की मुसीबतें होंगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप पे हंसे, आप पे मेरी कौन बचो क्या रहे? मुसलमान अपने घर में घुस गया है और अपनी बेटी और बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया है आंदोलन करने के लिए। मैं नहीं करता जज्बाती बात, मैं तो संविधान को मानता। आप बताओ ये नेता कहां थे? इनका सिर्फ क्या वोट का मतलब है आपसे? ये आपसे वोट लेंगे और अपने घरों में बचेंगे और जब मुसीबत आएगी तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे। आप फैसला करना कि सही कौन और गलत कौन है। मैं नहीं आपसे पहले भी वोट मांगे, आज भी आपके ऊपर छोड़ता हूं। सगे जाना नहीं लड़ रहे, आपके भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, वो आपसे बहुत ताकत चाहता है। ये लोकतंत्र है, यहां में और आप सब लोग दिल्ली रोड पर एक कानून को लगा के दिखाइए, वरना दीजिए मुझे ताकत और देखिए। आपके कहने से पहले आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी जो चार्ज, मैं फिर कह रहा हूं साहब, जो चार्ज ख्वाहिशें आपकी, जो हम दुआ में कहते हैं कि चाहे आपकी जाओ आपकी जाय दुआ कबूल हो, जो आपकी जाय ख्वाहिशें हैं उनके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। ताकत आपके हाथ में होगी, हिम्मत आपके हाथ में होगी, मैं तो बस अपील कर रहा हूं। लेकिन इस वादे के साथ याद रखिए, यह ऐलान है समन्वयों आरएसएस और भाजपा के लोगों के खिलाफ कि जहां लगाओ ताकत, आप सब ताकतवर लोग एक तरफ और ये गरीब दल गुजरे लोग एक तरफ, लगाओ अपनी सरकारी ताकत। समय इंकलाब करेगा, समय जवाब देगा कि कौन प्रधानमंत्री खड़ा है और कौन वीर दिखा के भागता है। मैं आज भी खड़ा हूं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुप जाऊंगा। मैं तो उनसे कहता हूं चलाओ गोली, मैं भी सुरक्षा लेके नहीं घूमता, आप चलाओ गोली और करो दर्द। इस गेटली को ताकत दे देना और फिर लिख लड़ने की हिम्मत के साथ मैं
आपके साथ खड़ा हूं कि वक्त चाहे कैसा ही आए और मुसीबतें चाहे कितनी हो, जब तक चंद्रशेखर आजाद है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगर मेरी जान चल गई तो अलग बात है, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। एक हल्लाबाद में हमारे प्रत्याशी साहब, हमारे गठबंधन के साथी, हमारे भाई, हमारे नेता डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथी कहेंगे, उनके लिए अपील कर देना। हमारे लोग मन बना के जब बना चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए, हल्लाबाद से विधायक आपका होगा, मेरा वादा है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं लखनऊ और हम दोनों बराबर साहब हैं, हल्लाबाद गोरखपुर सब नजदीक, आप दुआ खैर में याद रखना।